Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Once again I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में करता हूँ. Hallelujah! Hallelujah! Let's shout together. आइए मिलकर चिल्लाए. Hallelujah! 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 If someone listen this sound type of sound, यदि कोई इस तरह का आवाज सुने, they will say which language they are speaking. तो वो कहेंगे कि ये कौन सी भाषा वो बोल रहे हैं. What is hallelujah? Hallelujah क्या है ऐसा सोचेंगे. It means praise Jehovah. उसका अर्थ ये है यहोवा की स्तुति हो. Jehovah means the God who said I am. यहोवा का अर्थ है वो परमेश्वर जिसने कहा मैं हूँ. Praise God. परमेश्वर मैं who is forever. जो है जो सदा के लिए है उसकी आराधना हम करते हैं. हालेलुया. यहोवा की स्तुति हो. So never keep silent and never keep quiet when we say. तो जब भी ये बोले तब हम चुप ना रहे और शांत ना रहे. At one voice we should say out. हमें एक आवाज में बोलना चाहिए. हालेलुया. हालेलुया. Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. This is for waking up you, waking you up. ये आपको जगाने के लिए था. हालेलुया. यहोवा की स्तुति हो. Before eating or before doing exercise we warm up. कसरत करने से पहले हम थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं. Like that prepare ourselves. उस तरह से हम अपने आप को तैयार करें. To listen word of God. परमेश्वर का वचन सुनने के लिए. Let's close our eyes. आइए अपनी आँखों को बंद करें. Come in God presence with faith. परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास के साथ आए. He is there. We should believe. हमें विश्वास करना चाहिए कि वो है. He listen. We should believe. और वो सुनता है हमें मानना चाहिए. We should believe. Whatever we ask, He have that. हमें मानना चाहिए कि हम जो कुछ भी मांगते हैं वो उसके पास है. We should believe. He sees and He give fruit. हमें विश्वास करना चाहिए कि वो देखता है और फल देता है. Whenever we come in His presence, जब भी हम उसकी उपस्थिति में आए, we should believe He is. हमें विश्वास करना चाहिए कि वो है. And if there is sin in us, और यदि कोई पाप हमारे अंदर है, let we humble ourselves before Him and confess it and keep it away. तो हमें put it away. तो हमें उसके सामने नम्र होकर कबूल करना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए. Father in Jesus name we bow down ourselves. पिता हम यीशु के नाम में अपने आप को झुकाते हैं. We come in your presence with fear. हम भय के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं. We ask forgiveness. हम माफी चाहते हैं. We did sin. हमने पाप किया है. Father forgive us in Jesus name. पिता हमें यीशु के नाम में माफ करो. Because of Jesus blood forgive us. यीशु मसीह के लहू की वजह से हमें माफ करो. Today bless us. आज हमें आशीष दो. Free us. हमें मुक्त करो. And give your word. और आपका वचन हमें दो. Speak to us. हमारे साथ बात करो. Open our ear. हमारे कान खोलो. Touch our heart. हमारे हृदय को छू लो. Speak to us. हमारे साथ बात करो. Open our eyes. हमारी आंखें खोलो. So that we can see your reverence. इसीलिए कि हम आपकी भयावहता को देखें. We want to see your glory. हम आपकी महिमा देखना चाहते हैं. We want to experience your power. हम आपके सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं. Come Lord. आओ प्रभु. And bless with your word. और आपके वचन से आशीष दो. Father I pray bless each one who are watching listening जो are here in your presence. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोई देख रहे हैं और सुन रहे हैं और यहाँ जो हाजिर है सबको आशीष दो. Yes Lord open each heart so that they can know what you have in your heart. हाँ प्रभु हर एक का हृदय खोलो ताकि वो जान सके कि आपके हृदय में क्या है. Speak to us. हमारे साथ बात करो. Father speak to us. पिता हमारे साथ बात करो. In Jesus name. यीशु के नाम में. Yes amen. आइए आमेन कहे. Amen. Amen. Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो. Today people know about gift of Holy Spirit. आज लोग पवित्र आत्मा के दानों के बारे में जानते हैं. If I ask what is gift of Jesus Christ, यदि मैं ये पूछूं कि यीशु मसीह के दान कौन से हैं? What is gift of God Father? और परमेश्वर पिता के दान कौन से हैं? Then there will be hard to reply or answer. तो उसका जवाब देना कठिन हो जाएगा. We know Holy Spirit gifts. हम पवित्र आत्मा के वरदानों को जानते हैं. There are 9 gifts that Bible says. बाइबल कहता है कि ऐसी 9 वरदान हैं. And there are more gifts. और उससे आगे भी दान हैं. What Holy Spirit gives that we know. पवित्र आत्मा जो देता है वो हम जानते हैं. Jesus said John 16 and 23. यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय 23वां वचन। And on that day you will put no questions to me. You will not ask me any question. उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। Truly I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूँ। Whatever request you make to Father, तुम जो कुछ भी पिता से मांगोगे, He will give it to you in my name. That Jesus said. वो तुम्हें मेरे नाम में देगा, ऐसा यीशु ने कहा। Jesus said He will give you. यीशु ने कहा पिता देगा। Whatever you will ask to Him. उसके पास आप जो कुछ भी मांगोगे। John 6:27. यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय 27वां वचन। Jesus said, work hard for what Father have that gift to give you. पिता के पास जो दान है आपको देने के लिए उसके लिए बहुत मेहनत करो। We will read verse 27. हम 27वां वचन पढ़ेंगे। Let your work not be for the food which comes to an end. नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। But for the food which goes on eternal life. परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है उसके लिए. Which son of man that gives. जो मनुष्य का पुत्र देता है. And God has put mark upon that gift. और परमेश्वर ने उस पर छाप कर दी है. Jesus said. यीशु ने कहा. Work hard for the gift that Father is having. पिता के पास जो दान है उसके लिए ज्यादा परिश्रम करो. And I will give it to you. और मैं वो तुम्हें दूंगा. I have authority to give you. मेरे पास तुम्हें देने का अधिकार है. What Jesus have gift? Which gift Jesus have? यीशु के पास कौन से दान है? What Father have? पिता के पास क्या है? What are gifts of Holy Spirit? और पवित्र आत्मा के दान कौन से हैं? If you met Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा से मिले हो, If you have received Holy Spirit, यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है, you should know His gift. तो फिर आपको उसके दानों को जानना चाहिए। 1 Corinthians 12:4-11 वर्स। पहला कोरंथी 12वां अध्याय 4 से 12वां वचन। There is written, Holy Spirit as He please He gives. पवित्र आत्मा अपने मन की इच्छा के अनुसार देता है। Every man He gives separately. हर एक मनुष्य को वो अलग-अलग दान देता है। As His pleasure is. जैसे अपनी खुशी के अनुसार देता है। One are given words of wisdom through the Spirit. किसी को आत्मा के द्वारा ज्ञान का दान मिलता है। There is gift of wisdom. Let's say gift of wisdom. आइए कहे बुद्धि का दान। 8 वर्ष। किसी को बुद्धि दी जाती है। Another words of knowledge through same Spirit. और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें. Holy Spirit give gift of knowledge. पवित्र आत्मा बुद्धि का दान देता है. Let's say gift of knowledge. आइए कहे बुद्धि का दान. I think people lack this knowledge. मुझे लगता है लोगों में ये दान की कमी है. Gift of knowledge. बुद्धि का दान. Gift of wisdom. और ज्ञान का दान. गिफ्ट ऑफ फेथ. विश्वास का दान. होली स्पिरिट गिव गिफ्ट ऑफ फेथ. पवित्र आत्मा विश्वास का दान देता है. When you open the box, you will find out what gift is inside. जब आप बॉक्स खोलते हो तब आपको पता चलता है कि उसके अंदर कौन सा दान. What you received? आपने क्या पाया? Gift of faith. विश्वास का दान. There is gift of healing. और चंगाई का दान भी है. होली स्पिरिट गिव पावर to take away disease. पवित्र आत्मा रोगों को निकाल देने का भी सामर्थ देता है. That is gift of Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का दान है. Holy Spirit give this gift, gift of healing. पवित्र आत्मा ये चंगा करने का वरदान देता है. Another he give power of working wonders. और दूसरे को वो सामर्थ के काम करने की शक्ति देता है. Gifts of miracle. Let's say out. और आइए मिलकर कहे कि चमत्कार के दान. चमत्कार के दान. Another he give gift of prophecy. और किसी को वो भविष्यवाणी का दान देता है. Prophet gets word from Holy Spirit. भविष्यवक्ता को पवित्र आत्मा की ओर से prophetic words भविष्य वचन मिलता है. Another he give gift of टेस्टिंग स्पिरिट और डिसर्निंग स्पिरिट, और दूसरों को वो आत्माओं की परख का दान देता है। लेट्स से गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, आइए भविष्यवाणी का दान कहे। लेट्स से गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग स्पिरिट, आइए कहे आत्माओं की परख का दान। लेट्स से गिफ्ट ऑफ टंग्स, आइए अन्य भाषा का दान कहे। लेट्स से गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, आइए कहे अर्थघटन करने का दान। होली स्पिरिट गिव सच गिफ्ट दैट You can make clear the sense of the tongues. पवित्र आत्मा ऐसे दान देता है कि आप भाषाओं का अर्थ स्पष्ट कर सकते हो। So Holy Spirit is having 9 type of gifts. तो पवित्र आत्मा के पास ऐसे 9 तरह के दान हैं। Holy Spirit is one gift. पवित्र आत्मा एक दान है। Jesus Christ is one gift of God. यीशु मसीह परमेश्वर का एक वरदान है, दान है। When you receive Jesus Christ, you receive gift from God. जब आपने यीशु मसीह को पाया तब आपने परमेश्वर की ओर से दान पाया। When you receive Holy Spirit, you receive a gift from God. जब आपने पवित्र आत्मा को पाया तब आपने परमेश्वर की ओर से दान पाया। And when you receive any gift of Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा का कोई दान पाते हो, If tongue or knowledge, word of knowledge, या तो अन्य भाषा का दान या फिर ज्ञान का दान या बुद्धि का दान, और any gift या फिर कोई भी भेंट दान, that is gift of Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का वरदान है। So Jesus Christ is gift. तो यीशु मसीह वरदान है। God said, God so loved the world that we know. परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हम ये जानते हैं। He gave something. उसने कुछ दिया। He sent someone. उसने किसी को भेजा। John 3:16. यूहन्ना 3:16। God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। That he gave Holy Jesus Christ. कि उसने यीशु मसीह को दिया, भेजा। John 3:34. यूहन्ना 3:34। God gave Holy Spirit. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। God does not give spirit by measure, but he give Holy Spirit. परमेश्वर अपने नाप से नापकर आत्मा नहीं देता, लेकिन उसने पवित्र आत्मा दिया। When God give, जब परमेश्वर देता है, he give abundantly. वो बहुतायत से देता है। When we give something, जब हम कुछ देते हैं, whatever we have, we give it. हमारे पास जो है वो हम देते हैं। How much we have, that much we can give it. हमारे पास जितना है उतना हम देते हैं। But when we come to God, लेकिन जब ये परमेश्वर की बात होती है, then we say God give, He don't give by measure. तो जब परमेश्वर देता है तब वो नापकर नहीं देता। When he gave Jesus Christ, he gave whole Jesus Christ. जब उसने यीशु मसीह को दिया तो उसने पूरी रीति से दे दिया। Full Jesus Christ came. और पूरा यीशु मसीह आया। And people killed him. और लोगों ने उसे मार दिया। People didn't receive the gift. लोगों ने वो वरदान का स्वीकार नहीं किया। People rejected the gift. लोगों ने वो दान का इनकार किया। So God gift is Jesus Christ. तो परमेश्वर का दान यीशु मसीह है। Holy Spirit is gift of God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है। And 9 gifts that are gift of Holy Spirit. और जो 9 दान है वो पवित्र आत्मा के वरदान है। Third gift that God gives, that is He gives faith. और तीसरा दान जो परमेश्वर देता है वो विश्वास है। Romans 12:3. रोमियो का पत्र 12:3। God has given everyone the measure of faith. परमेश्वर ने हर किसी को विश्वास का प्रमाण दिया है। So if God gave you gift this faith, तो यदि परमेश्वर ने आपको ये विश्वास दिया है, then you believe Jesus Christ, so you believe Jesus Christ. इसीलिए आपने यीशु मसीह में विश्वास किया। So everyone has received faith from God. तो हर एक ने परमेश्वर की ओर से विश्वास पाया है। So the gift of God, तो परमेश्वर के दान है। Gift of Holy Spirit, पवित्र आत्मा के दान है। Jesus Christ is also gift from God. यीशु मसीह भी परमेश्वर की ओर से वरदान है। When he met Samaritan lady, जब यीशु समरूनी औरत से मिला, John 4:10 there we read. यूहन्ना 4:10 में हम पढ़ते हैं। Jesus said to that woman, यीशु ने वो औरत से कहा, Woman, you don't know gift of God. हे स्त्री, तू परमेश्वर के दान को नहीं जानती। Verse 10. 10वां वचन। In answer Jesus said, यीशु ने उत्तर दिया, If you have knowledge of what God gives freely. यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, परमेश्वर जो मुफ्त में देता है उसे जानती, you would ask him to give me water. तो तू उससे मांगती कि तू मुझे पानी दे. If you know who is this God gift, then you would receive it. यदि तू जानती कि ये परमेश्वर का दान कौन है तो तू उसे अपना लेती. You would make prayer to him. और तू उससे विनती करती. And he would give you living water. और वो तुझे जीवित पानी देता. You do not know what God can give. तो तुम नहीं जानते कि परमेश्वर क्या दे सकता है. If you know the gift of God, you would. And who is? It is who is saying. You would ask him if you know the gift of God. यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती. And who that gift is. और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है. Then you would ask for him. तो फिर तू उससे मांगती. Jesus is gift of God to mankind. यीशु मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का दान है. God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया. That he gave freely. कि उसने मुफ्त में दिया. We never asked for gift. हमने कभी दान नहीं मांगा. We never demand for gift. हमने कभी कोई वरदान की मांग नहीं की. Gift means giving freely. तोहफा का अर्थ है मुफ्त में देना. The gift without knowing we give it. और जाने बिना दे देना. Giving as capacity. और हमारा जो परिमाण होता है उसके अनुसार देना. Giving with willing heart. और हमारी इच्छा से देना. Giving without knowing the person is worthy or not. वो व्यक्ति उसके योग्य है या नहीं वो जाने बिना देना. So God gave Jesus Christ. तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया. God gave Holy Spirit. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया. God gave because Jesus Christ prayed. परमेश्वर ने इसलिए दिया क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना की. Acts 2:28. 38. प्रेषितों का काम दूसरा अध्याय 38वां वचन. People were gathered because Peter and the people were talking in tongues. लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि पतरस और दूसरे लोग अन्य भाषा में बोल रहे थे. And they said we are filled with the Spirit. और उन्होंने कहा कि हम पवित्र आत्मा से भरपूर हैं. Peter said to the people who said we what should we do? लोगों ने पतरस से पूछा कि हम क्या करें. तब पतरस ने उनसे कहा Who will believe Jesus and accept him as savior? जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करेगा और उसको अपना उद्धारक मानेगा. He will be gifted with Holy Spirit. उसे पवित्र आत्मा का दान मिलेगा. Peter said, पतरस ने कहा, Let your heart change. तुम्हारा मन फिर जाए, बदल जाए. Everyone turn to Jesus Christ. हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की ओर मुड़े. You all Israeli accept Jesus Christ. तुम सब इजरायली लोग यीशु मसीह का स्वीकार करो. Because you rejected the first gift that God sent. क्योंकि तुमने जो पहला दान परमेश्वर ने भेजा उसका इनकार किया. You rejected Jesus Christ, the gift of God. तुमने यीशु मसीह का नकार कर दिया जो परमेश्वर का दान है. Now you receive him. अब तुम उसे पालो. Take baptism. बपतिस्मा लो. And you will receive another gift. और तुम दूसरा दान पाओगे. Holy Spirit will be given. पवित्र आत्मा दिया जाएगा. If you repent from what you did wrong. तुमने जो गलत किया उससे यदि तुम प्रायश्चित करोगे. You rejected the first gift that God sent. पहला दान जो परमेश्वर ने भेजा था वो तुमने नकार दिया. If you take baptism, यदि तुम बपतिस्मा लो, and your sin will be forgiven. और तब तुम्हारे पापों को माफ किया जाएगा. Then you will receive the Holy Spirit as a gift. तब तुम पवित्र आत्मा को वरदान के रूप में पाओगे. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. If you can't accept one gift, people can't give you another gift. यदि आप एक तोहफा एक वरदान नहीं ले सकते तो लोग आपको दूसरा दान नहीं दे सकते. This is the truth. ये सच्चाई है. This is the truth. ये सच्चाई है. If you can't receive God one gift, God cannot give you another gift. यदि आप परमेश्वर का एक दान या एक तोहफा नहीं स्वीकार कर सकते तो परमेश्वर आपको दूसरा तोहफा नहीं दे सकता. The truth is you are not worthy for that precious thing. सच्चाई ये है कि वो मूल्यवान बात के लिए आप योग्य नहीं हो. You are not worthy to be blessed with another gift if you reject the first gift. यदि आप पहले दान का इनकार कर दो तो दूसरे दान पाने के योग्य आप नहीं हो. That is understood. ये समझने वाली बात है. Amen. Acts 2:8 and 28 and 20. प्रेषितों का काम 8वां अध्याय 20वां वचन। पीटर वेंट at Samaria where people believed Jesus Christ and took baptism. पत्रस समारिया में गया जहाँ पर लोगों ने प्रायश्चित किया और बपतिस्मा लिया था। And there was one person Simon. और वहाँ पर एक व्यक्ति था समोन। And he also took baptism. और उसने भी बपतिस्मा लिया। And he said to Peter. और उसने पत्रस से कहा, Will you give me this gift? I am giving you money. क्या मैं तुम्हें रुपया दूंगा, क्या तुम मुझे दान दोगे? The truth is you don't think that giving something you will receive something. सच्चा ये है कि ऐसा मत सोचो कि आप कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा। If I fast, Holy Spirit will, God will send Holy Spirit. यदि मैं उपवास करूँ तो परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजेगा। I will pray and Holy Spirit will come. मैं प्रार्थना करूँ और पवित्र आत्मा आएगा। If I repent and if I sin not, God will send Holy Spirit. यदि मैं प्रायश्चित करूँ और पाप ना करूँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजेगा। I will do such great thing that God will be pleased and He will give me in that result. और मैं ऐसे महान काम करूंगा कि परमेश्वर खुश हो जाएगा और उसके परिणाम में कुछ भेजेगा। But Holy Spirit is gift of God. लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है। We cannot purchase it by doing something. कुछ करने के द्वारा हम उसे खरीद नहीं सकते। Peter said in verse 20. 20वें वचन में पत्रस ने कहा, May your money come to destruction with you. तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो जाए। If you had fasted for Receiving Holy Spirit, यदि पवित्र आत्मा पाने के लिए तूने यदि उपवास किया होता, fasting should be destroyed. तो तेरा उपवास का विनाश हो जाए। If you think that I will do such great thing for Lord and He will give me Holy Spirit, then you are wrong. यदि तुम ऐसा सोचो कि मैं ऐसे महान काम करूंगा प्रभु के लिए और प्रभु मुझे पवित्र आत्मा देगा, तो तुम गलत हो। Peter said, because you have the idea that what is freely given by God may be got for a price. क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपयों से मोल लेने का विचार किया, जो मुफ्त में मिलता है। Thought that you can obtain God's free gift with money, you compare it with money, so you will be perish. क्योंकि परमेश्वर का जो दान मुफ्त में मिलता है, उसको तूने पैसे से खरीदना चाहा, इसीलिए तेरा नाश हो सकता है। Repent. You thought wrong. तूने गलत सोचा, उसके लिए प्रायश्चित कर। Today also men think that if I pray a lot, Holy Spirit, God will give. आज भी लोग ऐसा सोचते हैं, यदि मैं बहुत प्रार्थना करूं, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा। If I will fast, God will give me Holy Spirit. यदि मैं उपवास करूं, तो परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा देगा। Holy Spirit is gift from God. पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से दान है। People were not repenting, so God sent Jesus Christ. लोग प्रायश्चित नहीं कर रहे थे, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। God didn't send Jesus Christ because people were being good. लोग अच्छे थे और अच्छे काम कर रहे थे, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं भेजा। If people were living a good life and God had sent Jesus, that would be a gift. यदि लोग अच्छा जीवन जीते होते और परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा होता, तो we cannot count Jesus Christ as gift. तो फिर वो यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से दान है, ऐसा हम नहीं कह सकते। People were not worthy and still they received, that was gift. लोगों की योग्यता नहीं होती तो भी उनको मिलता है, तो वो दान होता है। Holy Spirit is gift from God. पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से तोहफा है, दान है। Don't think you have to do something to gain. उसे पाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा मत सोचो। And if you think that if I will do this and that, then you will not receive the free gift, but you will receive something different. लेकिन यदि आप ऐसा सोचो कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, तो फिर आपको वो मुफ्त में मिलने वाला तोहफा नहीं मिलेगा, लेकिन कोई और आत्मा या दान मिलेगा। To pay some price for receiving the Holy Spirit, you are wrong. पवित्र आत्मा को पाने, I will pay something. पवित्र आत्मा को पाने के लिए यदि आप ऐसा सोचो कि मैं कुछ दूंगा, तो फिर आप गलत हो। Jesus is free gift. यीशु एक मुफ्त में Holy Spirit मिला हुआ दान है। Holy Spirit is also gift to the world. पवित्र आत्मा भी इस दुनिया के लिए वरदान है, तोहफा है। Jesus said in Luke 11:13. यीशु ने कहा लुका का सुसमाचार 11वां अध्याय 13वां वचन। Oh parents, you are evil, are यू आर एविल, कि हे माता पिता तुम दुष्ट हो, एंड यू आर एबल टू गिव गुड गिफ्ट टू योर चिल्ड्रन, फिर भी तुम अपने बच्चों को अच्छा देते हो। हाउ मच मोर योर फादर हु इज इन हेवन गिव द होली स्पिरिट टू दोज हु मेक रिक्वेस्ट। तो स्वर्गीय पिता, यस, जो तुम्हारा पिता स्वर्ग में है, वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। द वर्ड रिक्वेस्ट इज रॉन्ग इंटरप्रिटेड, यहाँ पर जो शब्द है विनती, वो उसका गलत अनुवाद किया गया है। ट्रूथ इज इफ यू डिजायर हाउ मच मोर गॉड कैन गिव यू। सच्चा ये है कि यदि आप इच्छा रखो तो उससे भी ज्यादा बेहतर परमेश्वर दे सकता है। चिल्ड्रन डोंट प्रे टू फादर प्लीज गिव मी फूड। बच्चे अपने पिता को प्रार्थना ही नहीं करते कि मेहरबानी करके मुझे खाना दो। But when they are hungry, father knows that children are hungry. लेकिन जब वो भूखे होते हैं तब उनके पिता को पता चल जाता है कि अब ये भूखे हुए हैं। The food that mother father give to their children, that is love. और जो खाना माता पिता बच्चों को देते हैं वो प्रेम है। That is not reward of obedience. वो बच्चों का कोई आज्ञा पालन का बदला नहीं है। Jesus said, "How much more your Father in who is in heaven can give you." यीशु ने कहा कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हें कितना बेहतर दे सकता है। If you have desire, यदि तुम इच्छा रखो। Jesus said in John 7:37. यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय 37वां वचन। There it's written, Jesus stood up and said with a loud voice. वहाँ पर लिखा गया है कि यीशु ने खड़े होकर चिल्लाकर कहा। Jesus said, "If any man is in need of drink, let him come to me and I will give him." यीशु ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और मैं उसे दूंगा। Don't think I will purchase. ऐसा मत सोचो कि मैं खरीदूंगा। Don't think that I am worthy for that. और ऐसा भी मत सोचो कि मैं उसके योग्य हूँ। Don't try to change yourself to receive gift. और दान पाने के लिए अपने आप को बदलने का मत सोचो। Don't think that what God give can be purchased. और ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर जो देता है उसे हम खरीद सकते हैं, ऐसा मत सोचो। So when God give, that is grace gift. तो that is gift of grace. तो जब परमेश्वर देता है तो वो अनुग्रह का तोहफा है, दान है। You are not worthy for that. उसके लिए आप योग्य नहीं हो। At Kalya's house, at 10:47-45. प्रेषितों का काम 10वां अध्याय 45वां वचन। कर्नेलियस के घर में people were gathered to listen Peter when he was preaching. तब वहाँ पर पतरस जब प्रचार कर रहा था तो लोग सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। Peter also took Jews friend with him. और पतरस ने अपने यहूदी दोस्तों को अपने साथ लिया। Who believed Jesus Christ? They also went at कर्नेलियस हाउस। जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया था वो भी कर्नेलियस के घर गए। When Peter was saying, Holy Spirit came upon the Cornelius house. जब पतरस ने कहा कि पवित्र आत्मा कर्नेलियस के घर पर उतरा। And when Peter was preaching, जब पतरस प्रचार कर रहा था, Holy Spirit came upon the Cornelius at Cornelius house. तब पवित्र आत्मा कर्नेलियस के घर पे आया। And all these people who came with Peter, और ये सारे लोग जो पतरस के साथ आए थे, they also saw this and they were surprised. उन्होंने भी ये देखा और उनको आश्चर्य लगा। Because on the Gentile also was poured out the gift of Holy Spirit that they saw. क्योंकि विदेशी लोगों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, वो उन्होंने देखा। In Acts 11:16, just listen. प्रेषितों का काम 11वां अध्याय 16वां वचन। Peter returned back to Jerusalem church. पतरस यरूशलेम की कलीसिया में वापस आया। And he said to the church, verse 17. और 17वें वचन में पतरस ने कलीसिया से कहा। Peter said, पतरस ने कहा, I went at Cornelius' house. मैं कर्नेलियस के घर गया। And as we were baptized with Holy Spirit at the time of Pentecost, और जैसे 50वें के दिन हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिला। When I went at Cornelius' house and preached the gospel, जब मैं कुर्नेलियस के घर गया और सुसमाचार प्रचार किया, the people who were there, they were also received the same gift. वो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने भी वही दान पाया। So Holy Spirit is free gift from God. तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से मुफ्त तोहफा है। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। that cannot be purchased, that you should understand. आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसे हम खरीद नहीं सकते. I will share 9 gifts that Jesus Christ gives. मैं 9 दानों को बताऊंगा जो यीशु मसीह देता है. Did Jesus Christ give you these gifts? क्या यीशु मसीह ने आपको ये दान दिया? Everyone has received Jesus Christ's gift. हर एक ने यीशु मसीह का दान पाया है. This is grace. Grace is one gift of Jesus Christ. अनुग्रह भी एक यीशु मसीह का एक दान है. John 1:17 says. यूहन्ना पहला अध्याय 17 वचन कहता है. Law came, law was sent, law was given by Moses. मूसा के द्वारा व्यवस्था आई. God sent Moses with law. परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था के साथ भेजा. And God sent Jesus Christ with grace and truth. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को अनुग्रह और सत्य के साथ भेजा. Whatever whomever Jesus want, he can give free gift. जिसे भी यीशु मसीह देना चाहे वो उसे मुफ्त तोहफा दे सकता है. If Jesus say grace upon you, then there will be grace. यदि यीशु कहे कि तेरे ऊपर अनुग्रह हो जाए तो वहाँ अनुग्रह होगा. In Ephesians 4:7 Paul says. एफेसिस का पत्र उसका चौथा अध्याय 7वां वचन. To everyone of us has grace has been given the measure in the measure of giving of Christ. Christ gave this gift. पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है. Jesus give grace. यीशु कृपा करता है, देता है. This is a gift. ये दान है, अनुग्रह है. You are not worthy, but Jesus is pleased with someone, he grant this gift. आप उसके योग्य नहीं है, लेकिन यीशु जिसके ऊपर खुश होता है उसको और अपनी इच्छा, उसे जो इच्छा होती है उसके अनुसार वो उसे दान देता है. Christ have authority to give grace to anyone. मसीहा के पास ये अधिकार है कि वो किसी को भी, किसी के ऊपर भी अनुग्रह कर सकते हैं. So people said, Have mercy upon me, Jesus Christ. इसीलिए लोगों ने कहा कि यीशु मसीह हमारे ऊपर दया करो. And whomsoever, if Jesus is pleased, he give grace. और जिसके साथ यीशु को अच्छा लगा, खुश हुआ, उसको उसने अनुग्रह दिया. Jesus also give the gift truth. और यीशु सत्य का भी दान देता है. This is gift of Jesus Christ. ये यीशु मसीह का दान है. Jesus said in John 8:45. यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 45वां वचन. I tell you the truth, you believe not. क्योंकि मैंने तुम्हें सत्य कहा और तुमने विश्वास नहीं किया. I say truth to each whom I want. और मैंने जिससे चाहा वो सबको सत्य बताया. So if you met Jesus Christ, you will receive the truth. तो यदि आप यीशु मसीह से मिले हो या मिलते हो तो आप सत्य पाओगे. And Jesus Christ give freely the truth. और यीशु मसीह मुफ्त में सत्य देता है. You don't have to experience and go under something. आपको कोई अनुभव करके किसी के कोई प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं. He will share truth, give you truth truly. यीशु आपको सच में सत्य देगा. Freely. और मुफ्त में देगा. You need not to pay or do something. आपको उसकी कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं या कुछ करने की जरूरत नहीं. Don't say I don't want to listen the truth. I will experience myself. ऐसा मत कहो कि मैं सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहता, मैं उसका अनुभव खुद करूंगा. I will do it myself. I will know the truth myself. मैं मेरे तरीके से अपने आप करूंगा और मैं खुद उसे जानूंगा. So truth is freely given. तो सत्य जो है उसे मुफ्त में दिया गया है. परमेश्वर की महिमा. Third thing that Jesus give. और तीसरी बात जो यीशु देता है. He give forgiveness freely. वो माफी मुफ्त में देता है. This is a gift. ये दान है. If you have received this gift, praise God. यदि आपने दान पाया है तो परमेश्वर की महिमा हो. Many people cried for forgiveness. बहुत लोग माफी के लिए रोते हैं. But they didn't receive forgiveness. They were never forgiven. लेकिन उनको माफी नहीं मिली, उनको कभी माफ नहीं किया गया. We know about Esau. हम एसाव के बारे में जानते हैं. He was crying, but he was not forgiven. वो रो रहा था. He didn't got grace. वो माफी के लिए रो रहा था लेकिन उसको माफी नहीं मिली, उसके ऊपर कृपा नहीं हुई. Luke 5:24. लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय 24वां वचन. Jesus said. यीशु ने कहा. Son of man have authority to forgive all sin. मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, सारे पापों को माफ करने का अधिकार है. I have authority if I say I forgive, then I forgive. मेरे पास ये अधिकार है कि यदि मैं माफ करूं तो वो माफ है. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. This is gift. ये भी दान है. If you met Jesus Christ and you pray, Lord, please give me forgiveness, He will give you forgiveness. यदि आप यीशु से मिलो और कहो कि प्रभु मेहरबानी करके मुझे माफ करो, तो वो आपको माफी दे देगा. This is gift. ये दान है. We should receive it. हमें उसका स्वीकार करना चाहिए. We are paying nothing to receive forgiveness. माफी पाने के लिए हम कोई कीमत नहीं चुका रहे हैं. We don't have to cry. हमें रोना नहीं है. We don't have to pay money. हमें उसके लिए पैसा नहीं देना है. But freely He give forgiveness. लेकिन मुफ्त में वो माफी देता है. John 6:70. यूहन्ना 6:70. Jesus said. यीशु ने कहा. Didn't I selected you 12? क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना था? In Ephesians 4:10 says. एफएससी का पत्र 4 अध्याय 10 वचन कहता है. Jesus Christ went up, went down, and then he was lifted up to heaven. यीशु मसीह नीचे गया और उसके बाद उसे स्वर्ग में उठा लिया गया, वो ऊपर गया. That he make us complete, so he went up. इसीलिए कि वो हमें संपूर्ण करे, इसीलिए वो ऊपर गया. To make us complete, he sent some gift. हमें संपूर्ण करने के लिए उसने कुछ दान भेजे. He sent gift to church. उसने कलीसिया में दान भेजे. He sent apostle. उसने प्रेषितों को भेजा. He sent prophet. उसने भविष्यवक्ताओं को भेजा. He sent some evangelist. उसने सुवार्थी को सुसमाचार देने वालों को भेजा. He sent prophet pastors. उसने पासवानों को भेजा. He sent teachers. उसने शिक्षकों को भेजा. So these pastor is gift from God, from Jesus Christ. तो ये जो पासवान है वो यीशु मसीह की ओर से दान है. This is gift. ये दान है. If you don't have teacher, how can you study? यदि आपका कोई शिक्षक नहीं है तो आप कैसे अभ्यास कर सकते हो? If there is no gift of pastor in your church, who will handle you? यदि आपकी कलीसिया में पासवान का कोई दान ना हो तो आपके ऊपर सब नियंत्रण कौन करेगा? You didn't pay or cried for pastor. आपने पासवान के लिए प्रार्थना नहीं की और आप रोए नहीं. But it is free given, God's given, Christ given gift. लेकिन ये मुफ्त में मसीहा के द्वारा आपको दिया गया है. Jesus said in Paul says in 1 Timothy 1:12. पौलुस कहता है 1 तिमोथी 1 अध्याय 12वां वचन. I praise Jesus Christ. मैं यीशु मसीह की स्तुति करता हूँ. Who gave me power. जिसने मुझे सामर्थ दिया. And he has took me to be true. और उसने मुझे सच्चा गिना. And making me servant. और उसका दास बनाया. So Jesus Christ, when he please, he select the people. तो जब यीशु मसीह को खुशी होती है तब वो लोगों को पसंद करता है. And he choose them and put and give to the people. तब वो उसे चुनता है और फिर उसको पदवी देकर लोगों के सामने पेश करता है. So pastor is free gift from Jesus Christ. तो पासवान जो है वो यीशु मसीह की ओर से मुफ्त दान है. Those who don't have received pastor, जो लोगों के पास पासवान नहीं है, they have not received this gift. उन्होंने ये दान को नहीं पाया है. Church है. Church means all the people who are selected or who are in Christ. कलीसिया का अर्थ ये है कि ऐसे लोग कि जो सबको पसंद किया गया हो, जो believer, who group of believer, जो मसीही विश्वासी लोगों का समुदाय है जिनको मसीहा में पसंद किया गया हो, who are called out from the world, और जिनको इस जगत में से अलग किया गया हो, and separated to be God's people, जिनको जगत से बुलाकर अलग करके परमेश्वर के लोगों का नाम देकर अलग किया गया. And Christ give some prophet, apostle, prophet, evangelist, pastor and teacher gift to church. और मसीहा इस कलीसिया में कुछ भविष्यवक्ताओं को, प्रेषितों को और उपदेशकों और सुसमाचार देने वालों को और पासवानों को देता है. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. So pastor is gift. You should know. तो पासवान एक तोहफा है, दान है, आपको ये जानना चाहिए. If you reject one gift, you will never receive another gift. यदि आप एक दान का इनकार कर देते हो तो आप कभी दूसरा दान नहीं पाओगे. This is the truth. ये सच्चाई है. Jesus Christ give one more gift. यीशु मसीह एक और दान देता है. If he wish, if he desire, यदि उसकी इच्छा होती है तो, he give grace and he give life, eternal life. वो अनुग्रह देता है और अनंत जीवन देता है। जॉन रोमन 6:23 रोमियो का पत्र 6 अध्याय 23वां वचन जीसस क्राइस्ट गिव इटर्नल लाइफ यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। टू एनीवन दैट इज गिफ्ट हर किसी के लिए भी ये अनंत ये दान है। बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ लेकिन परमेश्वर का मुफ्त तोहफा वो अनंत जीवन है। यूनियन विद मसाया जीसस आवर लॉर्ड यीशु मसीह के साथ एक होना हमारे प्रभु के साथ। गॉड एंड जीसस क्राइस्ट गिव गिफ्ट टू द पीपल परमेश्वर और यीशु मसीह लोगों को दान देते हैं। इटर्नल लाइफ इज गिफ्ट ऑफ फ्रॉम गॉड एंड गिफ्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट अनंत जीवन ये परमेश्वर की ओर से और यीशु मसीह की ओर से दान है। सो जीसस सेड इन जॉन 5:21 इसीलिए यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 21वां वचन फादर गिव लाइफ पिता जीवन देता है। सो सन गिव लाइफ टू दोज हुम ही इज प्लीज टू गिव इट तो पुत्र भी जिसके साथ खुश होता है उसको जीवन देता है। सो इफ यू रिसीव जीसस क्राइस्ट तो यदि आप यीशु मसीह का स्वीकार करो जीसस क्राइस्ट कैन गिव यू लाइफ यीशु मसीह आपको जीवन दे सकता है। प्रेज गॉड परमेश्वर की महिमा। जीसस सेड 10 जॉन 10:28 यीशु ने कहा यूहन्ना 10वां अध्याय 28वां वचन आई विल गिव देम इटर्नल लाइफ मैं उनको अनंत जीवन दूंगा एंड दे विल नेवर कम टू डिस्ट्रक्शन और उनका कभी नाश ना होगा। सो जीसस क्राइस्ट गिव गिफ्ट ऑफ लाइफ तो यीशु मसीह जीवन का दान देता है। जीसस क्राइस्ट इफ ही विश ही कैन गिव पीस और यीशु मसीह यदि इच्छा करे तो वो शांति दे सकता है। तो whosoever he will he give gift जिसके ऊपर भी उसकी इच्छा हो उसे वो दान देता है। Peace is gift of Jesus Christ शांति यीशु मसीह का दान है। John 4:14-27 यूहन्ना 14वां अध्याय 27वां वचन as the world give I don't give you peace like that जैसे इस जगत देता है वैसे मैं तुम्हें शांति नहीं देता। Many times we don't get peace so we take peace from the world बहुत बार हमें शांति नहीं मिलती इसीलिए हम संसार से शांति लेते हैं। Many times we don't get joy when we are married बहुत बार शादी के बाद जब हमें आनंद नहीं मिलता we go out for joy तो हम आनंद पाने के लिए बाहर जाते हैं। For Jesus Christ don't give joy क्योंकि यीशु मसीह आनंद नहीं देता। Jesus Christ give joy yes माफ करना यीशु मसीह दान आनंद देता है। Amen Amen still we go outside for joy फिर भी हम बाहर आनंद पाने के लिए जाते हैं। Jesus give it freely यीशु वो आनंद मुफ्त में देता है। फॉर 100 रुपये वी गेट 3 आवर जॉय 100 रुपये में हमें 3 घंटे के लिए आनंद मिलता है। जॉन 17:13 यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 13वां वचन जीसस सेड आई नाउ आई कम टू यू यीशु ने कहा अब मैं तुम्हारे पास आता हूँ। एंड दिस थिंग आई सेड टू द वर्ल्ड सो दैट दे मे हैव माय जॉय कंप्लीट इन देम और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। जीसस क्राइस्ट गिव गिफ्ट ऑफ जॉय यीशु मसीह आनंद का दान देता है। प्रेज गॉड परमेश्वर की महिमा हो। जीसस क्राइस्ट गिव व्हाट ही गिव यीशु मसीह देता है वो क्या देता है जॉय आनंद देता है पीस शांति देता है। हालेलुया यहोवा की स्तुति हो। इफ यू डोंट हैव जॉय यदि आपके पास आनंद नहीं है आपको प्रार्थना करनी चाहिए यीशु गिव मी जॉय मुझे आनंद दो। एंड यू डोंट हैव टू क्राई यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग और आपको रोना नहीं है और कुछ कीमत नहीं चुकानी है। ही विल गिव यू वो आपको देगा। ही विल गिव यू पीस वो आपको शांति देगा। प्रेज गॉड परमेश्वर की महिमा हो। जीसस क्राइस्ट गिव मेनी थिंग टू चर्च यीशु मसीह कलीसिया में बहुत सारी बातें देता है। सून आई विल कंप्लीट आई विल रीड क्विकली मैं जल्दी पूरा करूंगा जल्दी पढ़ूंगा। प्रेज गॉड परमेश्वर की महिमा हो। रेवलेशन 2:7 प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7वां वचन हु विल ओवरकम जो जीतेगा आई विल गिव देम परमिशन टू ईट द एंड टेस्ट द फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ लाइफ दैट योर एडम डिडंट एट मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा जो तुम्हारे पिता आदम ने नहीं खाया था। आई विल गिव देम टू टेस्ट इट मैं वो फल उन्हें चखने के लिए दूंगा। Who will overcome? जो जय पाएंगे। Revelation 2:10 प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वां वचन Who will be faithful till death? जो मृत्यु तक विश्वासु रहेंगे। I will give them crown of life. मैं उनको जीवन का मुकुट दूंगा। Revelation 2:17 प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17वां वचन Who will overcome? जो जय पाएगा। Who will overcome the world? जो संसार पर जय पाएगा। मन्ना एंड व्हाइट स्टोन एंड अ न्यू नेम आई विल गिव देम। मैं उन्हें मन्ना और सफेद पत्थर और नया नाम दूंगा। रेवलेशन 2:26 प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 26वां वचन। Who will overcome the world? जो इस संसार को संसार के ऊपर जय पाएगा। I will give them power to rule over the nation. मैं उन्हें जाति जाति पर अधिकार चलाने का सामर्थ्य दूंगा। रेवलेशन 2:28 प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 28वां वचन। Who will overcome? I will give them morning star. और जो जय पाएगा उसे मैं भोर का तारा दूंगा। Revelation 2:5, 3 and 5 प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 5वां वचन। Who will overcome? जो जय पाएगा। I will give them white garments. मैं उन्हें श्वेत कपड़े दूंगा। And I will write their name and that will be forever. और मैं उनका नाम लिखूंगा और वो हमेशा के लिए होंगे। Revelation 3 and 12 प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 12वां वचन। Who will overcome? जो जय पाएगा। I will make them pillar in the temple. मैं उन्हें परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा। And I will give them permission to come in the new Jerusalem. और मैं उन्हें नए यरूशलेम में आने की परवानगी दूंगा। Revelation 3 and 21 प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 21वां वचन। Who will overcome? जो जय पाएगा। I will make them sit beside me. मैं उन्हें अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। These are not gift. ये सब दान नहीं है। These are if you found worthy. ये यदि आप उसके योग्य निकलो तो। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। The last gift that Jesus Christ gave. अंतिम दान जो यीशु देता है। That doesn't depend upon you. वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है। You are not worthy for that. आप उसके योग्य नहीं हो। If he is pleased, यदि वो खुश होता है तो he gave Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा देता है। He pray to God. उसने वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। Receive Holy Spirit. और उसके बाद आपको पवित्र आत्मा मिलता है। Jesus Christ gave Holy Spirit. यीशु मसीह पवित्र आत्मा देता है। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। These are the gift that Jesus Christ gave. ये सारे दान है जो यीशु मसीह देता है। And if you are found worthy. और यदि आप उसके योग्य निकलते हो, then these 7 churches what they were been promised that they get. तो ये जो 7 कलीसियाओं को जो वचन मिले वो उन्हें मिलेंगे। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। If there is no joy, यदि आनंद नहीं है, if you say I want healing, यदि आप ऐसा कहो कि मुझे चंगाई चाहिए, who will heal you? कौन आपको चंगा करेगा? Jesus Christ will heal you. यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। Who will forgive you? कौन आपको माफ करेगा? Jesus Christ will forgive you. यीशु मसीह आपको माफ करेगा। When you are sad, who will make you smile? जब आप दुखी होते हो तो आपको कौन हंसाएगा? Jesus Christ. यीशु मसीह। Where there is no life, जहाँ पर जीवन नहीं होता, who will give you life? आपको वहाँ जीवन कौन देगा? Jesus Christ will give you life. यीशु मसीह आपको जीवन देगा। So Jesus Christ is also having gift. तो यीशु मसीह के पास भी दान है। Don't think only Holy Spirit have 9 gift and I want that gift. केवल पवित्र आत्मा के पास 9 दान है और मुझे वो चाहिए ऐसा मत सोचो। Yes, Holy Spirit loves to give gift. हाँ, पवित्र आत्मा को भी दान देना अच्छा लगता है। Jesus Christ is also loving to give gift. और यीशु मसीह भी दान देने से प्रसन्न होता है। We forget that Father is also there who loves to give gift. और हम ये भूल जाते हैं कि पिता भी है जो दान देना चाहता है। They love to give it freely. और वो दान मुफ्त में देना चाहते हैं। Without paying any cost. वो मुफ्त में देते हैं कोई कीमत चुकाए बिना। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। So we should know whom we are asking. तो हम किससे मांगते हैं उसे हमें जानना चाहिए। What they are having. और उनके पास क्या है वो हमें जानना चाहिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. Amen. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Thank Holy Spirit. पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें। Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद करें। For He, when He give, He don't give it with measurement. क्योंकि जब वो देता है तब वो नाप कर नहीं देता। But when He give, He give all. लेकिन जब वो देता है तो पूरा देता है। When he give joy, he will give you joy, fully joy, full joy. जब वो आपको आनंद देगा, तब वो आपको पूरा, भरपूर आनंद देगा। He loves to give gift. और दान देना उसे अच्छा लगता है। Father, we love you. पिता हम आपसे प्रेम करते हैं। Jesus Christ, we love you. यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं। Holy Spirit, we love you. पवित्र आत्मा हम आपसे प्रेम करते हैं। Because you are our God. क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हो। You said, let us make man in our image. आपने कहा कि आइए हम हमारी प्रतिमा में मनुष्य को बनाए। And we are your creation. और हम आपकी रचना है। Yes, God, we love you. हाँ परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। For we love you and we thank you for opening our mind, heart. हमारा हृदय और हमारा दिमाग खोलने के लिए हम आपको आपसे प्रेम करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for sending Jesus Christ. यीशु मसीह को भेजने के लिए आपका धन्यवाद। For we were not worthy to receive Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह को पाने के लिए हम योग्य नहीं थे। Thank you for adding in your church and choosing in your church. आपकी कलीसिया में हमें जोड़ने के लिए और पसंद करने के लिए आपका धन्यवाद। Jesus Christ, we thank you. यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। For you are, you give. You send, you pray, and you request Father, and He send Holy Spirit. क्योंकि आप प्रार्थना करते हो, आप विनती करते हो पवित्र आत्मा के लिए और पिता ने पवित्र आत्मा भेजा। Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। We believe you. हम आप में विश्वास करते हैं। We want whatever you want to give. आप जो कुछ भी देना चाहते हो, वो हम चाहते हैं। We are ready to receive gift. हम वरदान पाने के लिए तैयार है। We are ready to receive gift from Jesus Christ. यीशु मसीह से तोहफा और दान पाने के लिए हम तैयार है। We will never say no when God is giving any gift. जब परमेश्वर कोई दान दे रहा है तो हम कभी मना नहीं करेंगे। We will never hate the gift that God, Jesus Christ and Holy Spirit gives. और परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जो दान देते हैं उसके उसे हम कभी भी नफरत नहीं करेंगे। We will never reject. हम उसका इनकार कभी नहीं करेंगे। But we will be full with the gift that God sent. लेकिन परमेश्वर जो दान भेजता है उससे हम भर जाएंगे। We receive Jesus Christ. हम यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं। We receive Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा का स्वीकार करते हैं। We receive the word. हम वचनों का स्वीकार करते हैं। We receive whatever God sent. परमेश्वर जो कुछ भी भेजता है उसका हम स्वीकार करते हैं। We thank Jesus Christ. हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। For all His grace. उसके सारे अनुग्रह के लिए। For all His truth. उसकी सारी सच्चाई के लिए। For all His life. और उसके सारे जीवन के लिए। For all His promises. उसके सारे वचनों के लिए। Yes, Jesus Christ, we love you. हाँ यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं। We are your. हम आपके हैं। We thank you for your send leaders to equip us. हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमको बनाने के लिए आपने आगेवानों को भेजा। We thank you for your Bible, preacher. आपके बाइबल के लिए और आपके प्रचारकों बाइबल के प्रचारकों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you for all things. हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, help us to understand. प्रभु ये समझने के लिए हमारी सहायता करो। Holy Spirit bless each one. पवित्र आत्मा हर एक को आशीष दो। Forgive us, Jesus Christ. यीशु मसीह हमें माफ करो। Father, once again thank you for giving life. पिता फिर से एक बार हमें जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। Bless each one. हर एक को आशीष दो। In Jesus name. यीशु के नाम में। All be blessed. हर एक को आशीष मिले। Amen. Amen. Let's pray together for Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Our Father which art in heaven. ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो। Pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. आपका राज्य आए। Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो। As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation. और हमें परीक्षा में ना ले जाओ। But deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom. क्योंकि राज्य आपका है। Thine is power. पराक्रम आपका है। Thine is glory. महिमा आपकी है। Forever Father, you are our God. पिता सदा के लिए आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus name we confess. यीशु के नाम में हम कबूल करते हैं। Amen. 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 Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Praise God. Praise God.